नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे एक नई वीडियो के बारे में। विद्यालय अनुभव कार्यक्रम, इंटर्नशिप कार्यक्रम पर जो बच्चे गए हुए हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो। उस इंटर्नशिप डायरी में जिसका पहला पेज आपको दिखाई दे रहा होगा, उस डायरी में बीच में एक आवेदन पत्र है। जो विद्यार्थी न्यूली एडमिट होते हैं विद्यालय में, उनके लिए एक आवेदन पत्र होता है, जिस आवेदन पत्र के माध्यम से वो विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। वो किस प्रकार भरा जाता है, किस प्रकार फिल किया जाता है, उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। ये डायरी आप सभी के पास होगी। ये डायरी अपने को फिलअप करते समय बीच में एक पेज आएगा, 10-15 पेजों के बाद एक पेज लगा हुआ है। वो पेज है शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पेज है, नवीन विद्यार्थी प्रवेश आवेदन पत्र, ऐसा प्रपत्र आपको दिखाई दे रहा होगा। वो आपको फिल करना है, किस प्रकार किया जाता है आप ध्यान रखें। मैं तो सभी के लिए आशा करता हूँ, सभी के लिए दुआ करता हूँ कि सब बच्चे टीचर बने। अगर आप टीचर बनते हैं तो आपको सबसे पहले ये बच्चों का फार्म भरना होगा, भविष्य में भी आपके लिए ये फार्म उपयुक्त साबित होगा। तो शुरुआती दौर है ये, श्री गणेश यहीं से होता है बच्चे का, इस फार्म भरने से। और आपको ये फार्म भरवाना होगा और बच्चे को फिलअप करना होगा। पहले आपको ये फार्म आना चाहिए, विद्यालय का नाम इसके ऊपर सबसे पहले अंकित होगा, जिस प्रकार आप देख रहे हैं। उसके बाद में पिता का नाम, छात्र का नाम, जन्म तिथि जो उसकी है। ध्यान रखें कि जन्म तिथि बिल्कुल सही करें, कि जो जन्म तिथि इसमें फिल हो गई हमेशा के लिए वही जन्म तिथि लगभग रहती है। उसके बाद में शब्दों में लिखेंगे पिता का नाम, व्यवसाय पिता का, माता का नाम, व्यवसाय माता क्या करते हैं, वार्षिक आय आपकी लिखेंगे। और उसके बाद में स्थायी पते का कॉलम इसमें है, फिर वर्तमान में वो छात्र कहाँ रहता है उसकी स्थिति के बारे में लिखेंगे, अभिभावक का या संरक्षक जिसके पास वो रहता है उसके पते के बारे में लिखेंगे। मान लो छात्र वर्तमान में अपने ननिहाल में अपनी बुआ के पास रहकर कहीं पढ़ता है तो उसके संरक्षक का पता आ जाएगा। उसके बाद में जिस विद्यालय में वो बच्चा पहले पढ़ता, देख लो आपको अगर बच्चा कोई प्लस वन या प्लस टू में एडमिशन के लिए आता है, टेंथ में एडमिशन के लिए आता है, तो जो पहले के विद्यालय, जरूरी नहीं है कि बच्चा आपके पास फर्स्ट टाइम एडमिशन लेगा, दसवीं का बच्चा, बारहवीं का बच्चा भी आपके पास एडमिशन लेगा तो पूरे विद्यालय का नाम यहाँ आ जाएगा, अंतिम कक्षा जो वो छोड़ के आया है, और सत्र आ जाएगा जिस सत्र में उसने वो पास किए, उसमें कितने उसने पूर्णांक थे और कितने प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त किए, जिसके आधार पर आप एडमिशन करेंगे। फेलियर बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता, इस वजह से ये फार्म भरवाया जा सकता है। फेलियर बच्चे का एडमिशन हो सकता है, अब आप कहेंगे कि हो क्यों नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन उसकी जानकारी आपको रखनी होगी अपने प्रवेश फार्म में। अंत में ये घोषणा करता है कि उपयुक्त सूचना जो दी है वो मैंने सही दी है, मेरे द्वारा जो ये सूचना दी गई है वो सही दी गई है। इसके बाद में कार्यालय उपयोग हेतु एक कॉलम आएगा, स्कॉलर SR नंबर जो उसको मिलेगा, जिसके आधार पर उसकी संपूर्ण जानकारी, जब तक वो विद्यालय में रहेगा वो जानकारी उसकी SR रजिस्टर में वो अंकित कर दिया जाएगा और SR नंबर मिल जाएगा। उस SR नंबर के मिलने से, उस नंबर से भविष्य में कभी भी अपने को जॉब लगते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेते हैं, तो SR नंबर से उसकी संपूर्ण जानकारी SR रजिस्टर में दर्ज हो जाएगी। वो जो भी शुल्क लगता है उस शुल्क का विवरण यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में जो एडमिशन स्लिप दी जाती है वो आपके छात्र का नाम भर के और पिता का नाम भर के किस कक्षा में उसको प्रवेश स्वीकृत प्रदान किया, प्रधानाचार्य द्वारा प्रवेश स्वीकृत किया जाता है। ये था आवेदन पत्र। उसके बाद में TC फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्म आता है? TC फॉर्म। उसके बाद में आपको ये स्थानांतरण प्रमाण पत्र, स्कॉलर रजिस्टर दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉर्ड ए, रिकॉर्ड बी, रिकॉर्ड सी आपको दिखाई देगा। सबसे पहले अगर आपको किसी का स्थानांतरण, कोई प्रवसन कर रहा है किसी निजी कारण से या किसी कोई और कारण से, विद्यालय छोड़कर अन्यंत्र विद्यालय में जाने का इच्छुक है, तो आपको ये अपने विद्यालय में सेफ रखना होगा, जो उसका विवरण है उसके लिए ये प्रमाण पत्र तैयार किया गया, रजिस्टर तैयार किया गया है, जिसका नाम है स्कॉलर रजिस्टर। स्थानांतरण प्रमाण पत्र आपको बाद में दिखाई देगा। ये रजिस्टर में रखना है कि जिस तारीख को उसका एडमिशन हुआ,
वो डेट लिखनी है, फिर उसने प्रत्याग दिनांक यानी कि जिस तारीख को उसने विद्यालय छोड़ा, फिर कॉजेज ऑफ लिविंग प्रत्याग के कारण, किस कारण वो अन्यंत्र जगह प्रवेश ले रहा है, वो कारण डालेंगे कि विद्यालय क्यों छोड़ रहा है, वो अन्यंत्र प्रवेशार्थ लिखा हुआ है। ये बड़ा जरूरी है, ध्यान दीजिएगा इस पे। अन्यंत्र प्रवेशार्थ मतलब वो विद्यालय छोड़कर कहीं और जा रहा है, यानी तीसरी क्लास में टीसी कटा के वो विद्यालय से निकल रहा है और यहाँ अपने भर रहे हैं अन्यंत्र प्रवेशार्थ और वो आगे प्रवेश नहीं लेता है, तो ये डाटा गलत हो जाएगा। जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनकी श्रेणी से वो बाहर हो जाएगा, अपने लिखेंगे घर पे रहेगा या उसका कोई और लेबर वर्ग या मजदूर वर्ग कोई काम करता है तो वो ड्रॉप आउट की श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए ये कॉलम बड़ा ध्यान से भरें कि आप वो बच्चा किस तरीके से, किस कारण, किस कॉजेज से वो विद्यालय छोड़ रहा है। इसके बाद में रिकॉर्ड बी में आएगा, छात्र का नाम आ जाएगा, जन्म दिनांक आ जाएगी और प्रवेश के समय क्या आयु थी वो आ जाएगी और उसका माता पिता क्या व्यवसाय करते हैं और पिछले विद्यालय का नाम आ जाएगा, अंतिम क्लास उसने उत्तीर्ण किया उसका विवरण आ जाएगा। इसके बाद रिकॉर्ड सी आता है कि जिस जिस क्लास में वो यहाँ रुका है उसने कौन कौन सी क्लास पास की है उसके बारे में विवरण आ जाएगा और अंत में ये प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित कर दिया जाएगा। इसके बाद में आती है छात्र प्रवेश पंजिका का रजिस्टर एक तैयार होता है, उसमें क्या है सभी की रिकॉर्ड रखा जाता है, सभी के नाम इसमें दर्ज किए जाते हैं। जिस प्रकार से छात्र है आपको दिखाई देते हैं, नाम, पिता का नाम और ये साफ दिखाई नहीं दे रहा इस पे, तो अपने को ये अपने थोड़ा जूम करके देखते हैं, इसको दिखाई दे रहा है कि ये जन्म दिनांक इसकी क्या है और जन्म के समय इसकी आयु क्या है, 5 वर्ष 3 माह अपने को लिखने, क्योंकि 5 वर्ष से कम एडमिशन विद्यालय में नहीं होता। पिता का नाम आ जाएगा, पिता का व्यवसाय आ जाएगा कि वो कृषि करते हैं या कोई और काम करते हैं, उसके बाद में उसका स्थायी पता आ जाएगा और बाद में आ जाएगा राजस्थान में वो कहाँ का निवासी है, कब से निवासी है, जन्म से आ जाएगा और उसका जो रिलीजन आ जाएगा कि किस रिलीजन से है, वो हिंदू या कोई भी अन्य रिलीजन से होगा तो उसका यहाँ अंकित किया जाएगा। और उसके बाद में अपने देखेंगे नेक्स्ट टीसी, ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट है जो विद्यालय द्वारा तैयार कर उसको दिया जाता है बच्चे को और उसकी टीसी अन्यंत्र स्थान पर काट कर भेज दी जाती है, वो अन्यंत्र स्थान पर प्रवेश के लिए योग्य हो जाता है। ये टीसी आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें जो आपने को क्यूरी फिल करनी है वो नाम हो जाएगा, पिता का नाम हो जाएगा और ये सब डिटेल्स इसमें आ जाएगी, कक्षा में कब भर्ती हुआ, कक्षा जिसमें उसने स्कूल छोड़ी, तारीख छोड़ने, तारीख जो है छोड़ने की आ जाएगी, कारण आ जाएगा छोड़ने का कि वो उच्च अध्ययन के लिए कहीं बाहर जाना चाहता है या अच्छी संस्थान में, इससे कोई बड़ी सिटी में जाना चाहता है तो उसके बारे में यहाँ अंकित हो जाएगा। ये उसका प्रमाणीकृत सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा और इसमें सब डिटेल आ जाएगी, उसकी आ जाएगी कहाँ का निवासी है और जन्मतिथि आ जाएगी। उसके बाद में एक टीसी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र लगता है, कौन सा, चरित्र प्रमाण पत्र, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर चरित्र प्रमाण पत्र पे किसी भी प्रकार का कोई लिखा हुआ है, अगर या लाल पेन से उस पर कोई निशान आ गया तो आपके चरित्र पर सवालिया निशान खड़ा हो सकता है और आपको अन्यंत्र जगह प्रवेश लेने में दिक्कत आ सकती है। तभी कहा गया है कि विद्यालय में अनुशासित तरीके से आप रहकर शिक्षा ग्रहण करें। चरित्र प्रमाण पत्र आपका विद्यालय में हमेशा ही चरित्र उच्च तरीके का होना चाहिए, वो तो हमेशा के लिए आम जिंदगी में ही जरूरी है, लेकिन एक विद्यार्थी जीवन में चरित्र का अच्छा होना बहुत ही अच्छा माना जाता है, भविष्य के लिए लाभदायी होता है। ये प्रमाण पत्र विद्यालय द्वारा दिया जाता है, इसमें सब दिया जाता है, डिटेल दी जाती है और इसमें जिस जिस गतिविधि में आपने भाग लिया, अच्छा काम किया, वो डिटेल भी यहाँ आ जाएगी और विद्यालय आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको ये सर्टिफिकेट प्रदान करता है। विद्यार्थी न्यूली एडमिशन से लेकर और विद्यालय से ट्रांसफर तक की ये जो 7 पेजेस का जो अपना वीडियो था वो कंप्लीट हो चुका है और आगे के पेजों के बारे में, आगे के परफॉर्मों के बारे में जानकारी के लिए आप देखते रहिए उषा गोदारा चैनल हमारे यूट्यूब पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।